नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस समय हम मौजूद हैं, हमारे साथ में सतीश फफड़ाना जो कि स्नेक एक्सपर्ट हैं, लगातार जो है सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का बचाव करने का काम करते हैं। और बताया जा रहा है कि आज फिर से एक सांप पकड़ने के लिए पहुंचे हैं और बताया जा रहा है काफ़ी बड़ा सांप है और सीधा बात करने का प्रयास करते हैं सतीश फफड़ाना जी से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको क्या जानकारी मिली थी यहाँ पहुँचे हैं? बस मेरे पास कॉल आई थी जी, ये बताया था भाई हम करनाल से बोल रहे हैं और एक घर में सांप आ गया है। अच्छा। और तो आप आओ, तो हमने बताया भाई आ जाएंगे, बस 35-40 मिनट लगेंगे। तो ये बोले कोई बात नहीं, हमें सांप कहाँ पर है और कौन सा सांप है, कहाँ पर है भाई? उस कट्टे के पीछे है। अच्छा। ये कह रहे थे, मैंने पूछा भी था इनसे भाई, वो कट्टे के पीछे चला गया। मैंने पूछा था कितने कट्टे हैं, ये बोले एक है। वहाँ एक के नीचे से तो वो तब तक निकल जाएगा अगर बाहर कह रिया कुछ ऐसा लोकेशन ऐसी है। जी जी जी। फिर वो बोले नहीं, आराम से वो बैठ गए, हम नजर रखेंगे। तो कौन सा सांप बता रहे हैं अभी फिलहाल? अभी तो कुछ ब्लैक में दिखाई दिया, मोटे सल्क है वो। तो बाहर निकलने के बाद ही पता चला, क्लियर हमने भी नहीं देखा। अभी आपने देखा नहीं? अभी पहुंचे हैं ना हम। जी 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 जी। और देख सकते हैं कि इसी जगह पर बता रहे हैं सांप है, बड़ा सांप है और ठीक इस बोरी के पीछे है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। और लगातार जो है ऐसे कई खतरनाक सांप जो है पकड़ने का काम सतीश फफड़ाना करते हैं। लगातार उनकी जो टीम है वो यहाँ पहुँचती है और अब जो है उसे बाहर निकालना है। इतना ज़रूर है कि ये सांप पर नज़र ज़रूर टिकाए हुए हैं लोग, जिनके घर के पास ये सांप आया, जिन्होंने जानकारी दी उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सांप की जानकारी किन्होंने दी, सांप की जानकारी किन्होंने दी थी? ये भी आपने दी थी जानकारी सांप की? हाँ जी, हाँ जी आंटी, कब ये आपने कब देखा इस सांप? 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले? 12 का टाइम होगा ना, 12-1 का। तो क्या सांप बड़ा है काफी जो देखा आपने? बस मैंने तो पीछे से देखा था। पीछे से? कौन से रंग का सांप लग रहा है? ये मैरून सा है। अच्छा, तो मतलब क्या काले रंग का है? मैं मतलब भूरे रंग का सांप? ना काला है ना भूरा है, तो सही नहीं हो रहा है। जी जी। तो अभी फिलहाल उसे निकालने का प्रयास जो है सांप को बाहर करेंगे और सतीश फफड़ाना आप देख सकते हैं इस समय बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले भी एक बच्ची जो है वो सांप के डसने से उसकी काफ़ी हालत गंभीर हुई। झाड़िया है, जंगल झाड़िया, पीछे देख सकते हैं ऐसी जगह छुप जाते हैं। दूसरा फिर इस दीवार के पास ही आप देखो कितना सारा सामान, पुराना सामान लगा है। जी जी, जिसकी वजह लकड़ियाँ घर में यूज होती हैं, सभी के घर में होती हैं, हमारे लिए तो लकड़ियाँ हैं पर सांप के लिए छुपने की जगह है। जी, मतलब ऐसा सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए? अलग अलग, हाँ अलग, जो पुराना सामान है उससे मोह ना रखें, पुराने सामान को थोड़ा थोड़ा खुले में रखें और जो पुराने खाली डिब्बे हैं, खाली बोतलें हैं और जितना भी पुराना सामान है ना वो सांप की छुपने की जगह हो जाती है। जी, आजकल के दिनों में बरसात का सीजन है ना, आजकल लगभग 2 महीने तक और ऐसा चलेगा। तो घर में सामान को भी, और अभी फिलहाल उस सांप को फिलहाल अब प्रयास कर रहे हैं, देख सकते हैं बाहर निकालने का उस सांप को और सतीश फफड़ाना देख सकते हैं। जी जी जी। तो हम आपको दिखाने का प्रयास जो है वो करेंगे, नीचे से देखो, नीचे से तो ये देख सकते हैं सांप को हम प्रयास कर रहे हैं दिखाने का और सांप बिल्कुल इस समय जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अब उसे फिलहाल बाहर निकालेंगे। तो सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर करें और इस तरीके से, और सबसे ये भी कहना चाहेंगे कि कभी सांप दिखे तो खुद कोशिश ना करें बल्कि स्नेक एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लें, क्योंकि सतीश फफड़ाना लगातार रोज़ 10 से 12 सांप ज़रूर पकड़ते हैं और इससे ज़्यादा भी तादाद होती है जब वो सांप पकड़ते हैं। कई जगहों से 2-2, 3-3 सांप एक साथ पकड़ते हैं। पिछले दिनों हमने दिखाया कैसे एक घर से 2 सांप का जो जोड़ा था, वो नाक का जोड़ा जो है वो मिलता है। पुराना सामान घर में ना रखें, पुराने सामान के अंदर जो है इस तरह के जो प्राणी हैं वो चले जाते हैं। और तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी देख कितना बड़ा जो सांप है, ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी बड़ा सांप है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, काफ़ी बड़ा सांप तस्वीरों में मैं आपको दिखाने का प्रयास जो है कर रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर करें, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सांप है ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिलहाल अब स्नेक एक्सपर्ट जो है वो इसे फिलहाल निकालेंगे बाहर और बहुत ही खतरनाक मोटा जो सांप है और उम्र भी उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है लग रही है। तो आप देख सकते हैं वो सांप जो है फिलहाल, ये देख सकते हैं जो सांप है वो किस तरीके से, ये देख सकते हैं उसे
तो आप देख सकते हैं सांप को उन्होंने किस तरीके से पकड़ा है, ये देख सकते हैं। काबू कर लिया गया, देखिए कितना तो ये देख सकते हैं कि जो सांप है वो किस तरीके से, ये देखिए बहुत ही तेज और काफी मोटा सांप है, ये देख लीजिए काफी मोटा सांप है, और ये देखिए काफी बड़ा और मोटा सांप है, ये देखिए। तो फिलहाल ये जरूर है कि वो जी जी तो इसकी कितनी उम्र हो सकती है, कितने साल का है ये कितने साल का है ये मेरे से कितना लंबा ये जी जी बिल्कुल लंबाई कितनी होगी इसकी, ज्यादा लंबाई सांप की और स्नेकमैन द्वारा कहा जा रहा है कि आज देखें कि मेरे से भी आप दोनों एक या तो आप इधर आ जाओ आप इधर आ जाओ आप उसे दूर रखो। तो जो देखने की चीज ये है कि सांप कितने बड़े बड़े हो जाते हैं जी जी। अब ये देखो फिर अब मेरे से कितना लंबा, कितनी लंबाई होगी इसकी, ये जी तकरीबन 8 फीट का सांप, और चौड़ाई कितनी है 8 फीट का, काफी मोटा भी और लंबा भी है, 8 फीट से भी ज्यादा, 8 फीट का सांप, 8 फीट का सांप है ये, और काफी मोटा और बड़ा सांप है, और लंबा सांप है। कितनी उम्र होगी इसकी वैसे, कितने साल का होगा ये जी? कम से कम 15 साल पुराना सांप है। 15 साल? हाँ 15 साल। नुकसान दे सकता था तो ये मुँह से कुछ काट जाता तो बड़े दांत है तो मुँह से कुछ झाग निकाल रहा है, क्या है ये? ये कई बार कुछ खा लेते हैं, गर्मी में तंग हो जाते हैं, झाग निकालते हैं जी, जाग जो है सांप मुंह से और निकाल बता दे कि मुंह से झाग निकल रही है, जो कि बता रहे हैं कि कुछ खा लेता है सांप तब, और मोटाई इसकी काफी ज्यादा है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल जो सांप है उसे लंबाई जो है सांप की सतीश पपड़ाना, उसे देखकर कहीं ना कहीं हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन आप सभी से निवेदन है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सांप काफी ज्यादा खतरनाक जरूर है, और फिलहाल कोशिश जो है वो यही की जा रही है कि सांप को किसी भी तरीके से फिलहाल सुरक्षित जगह पर उसे छोड़ा जाएगा, और फिलहाल सांप को किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश जो है जरूर करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, और ये सांप किस तरीके से काफी जो इसकी रफ्तार है वो भी काफी ज्यादा तेज थी, जब ये निकला बहुत तेजी से निकला और अब उसे ये लिपट गया था एक बार पूरे का पूरा पोटली के अंदर फिलहाल बंद जो है कर रहे हैं, ये देख सकते हैं पोटली में ये जाते हुए सांप जरूर दिख रहा है, और ये देख लीजिए ये पोटली के अंदर जाता हुआ ये आपको सांप जरूर दिख रहा है, और देखिए आगे तक चला गया ये सांप, और पूरे का पूरा अभी भी रफ्तार आप देख सकते हैं इस कपड़े में जाने के बाद भी काफी ज्यादा एक्टिव अग्रेसिव अगर बोला जाए तो काफी ज्यादा सांप जो है अभी भी अग्रेसिव है, और इसे जो है सुरक्षित जी जी बिल्कुल पूरे का पूरा लंबाई काफी ज्यादा है इसकी, और फिलहाल उसे पोटली में अंदर बंद कर लिया गया है, और जंगल में छोड़ देंगे जी, जंगल सुरक्षित। आज सुबह से कितने सांप पकड़ चुके हैं? ये 5वां सांप है, ये 5वां। तो दिन में लगभग बता रहे हैं आप 10 से 15 सांप पकड़ लेते हैं रोज? सांप पकड़ना बड़ी बात नहीं है जी, लोगों के फोन सुनना बहुत बड़ी बात है जी। कितने फोन कितने आ जाते हैं आपको? फोन सुन के दिमाग सेट रखना, और रात को उठ के लोगों के फोन सुनना, रात भर काम करते हैं आप, किसी का भय दूर करना, किसी को सही संतुष्ट करना, जिसको जानकारी देना, भय मुक्त करना, वो बड़ी बात है। सतीश जी अगर देखा जाए तो आप दिल्ली तक जाते हैं? दिल्ली भी गए थे जी, कल शोरूम में गए थे, वहाँ से कॉल आई थी, वहाँ से भी सांप पकड़ा है। और जी इतने हम कोशिश करते हैं अभी अपने एरिया में रहे जी, पर कई बार इतने मजबूर हो जाते हैं, कई इतनी सिफारिश हो जाती है। अभी भी एक गाँव है गुलाम खेड़ी जी, एक फोन आया था बीच में, किसी ने बात करवाई थी, वहाँ 2 भैंस मर गया सांप काटने से। अच्छा, तो हम तो चाहते हैं भी अपने 8-10 जिले हैं जो यहाँ रहे, पर कई बार ऐसी, अभी एक और फोन आया मेरे पास यूपी से, सरसावा के पास है, यूपी से फोन आया था वो जी, तो वो 2 सांप है उनके घर में जी, 3 दिन से वो दिखाई दे रहे हैं, वो लोग घर ही छोड़ के बाहर ही बैठे हुए हैं, मतलब समय नहीं मिल पा रहा, समय नहीं मिल पा रहा जी, और सो नहीं पा रहे। और कितने फोन की मैक्सिमम एवरेज है, जितने फोन आपको दिन में आ जाते हैं? 400-500 के बीच सुन लेते हैं फोन, 400-500 गड्डी चलती रहती है। मैं अभी अब जैसे कॉल आती है मेरी टीम, मैं उनको देता हूँ, जब सांप पकड़ के हट जाता हूँ तो मैं सुनता हूँ, अब मेरे पास ड्राइवर भी है, पूरी टीम है, तो हम सभी लोग लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जज्बा कहाँ से लाते हैं, सुबह से शाम इतनी मेहनत करना? यहाँ एक कोबरा पकड़ा था हमने, टाइल के गोदाम के अंदर ऊपर बैठा हुआ था छत में जी, यहाँ से थोड़ी सी दूर आई, यहाँ से 10 किलोमीटर भी नहीं होगा वो, यहीं से कल कोबरा पकड़ा था। 400 से 500 ये देखो सांप जो है दिन में, वजन देखने की चीज है, वो जमीन कितना वजन होगा इसका, इतना बड़ा थैला है, वजन कितना होगा इसका? ये होगा
सात से आठ किलो का सांप आप देख लीजिए इन्होंने पकड़ा है और 15 साल की उम्र है सांप की। तो सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर करें लोगों में, किस तरीके कदर जो डर है वो कहीं ना कहीं जरूर बैठा होता है। जी लोग हमें अक्सर पूछते हैं भाई अगर घर में सांप घुस जाए तो क्या करें। भाई हम दावा करते हैं, जानकारी देते हैं भाई उस तरीके को अपनाओगे तो आपके घर में सांप आएगा ही नहीं। अगर आ जाए छुप जाए तो उसको कैसे ढूंढे, उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा। हम अपनी वीडियो में टोटली ऐसा नहीं कि हम कुछ बातें छुपा के रखते हैं, सांप ही हमें पकड़ने हैं, हमें लोगों को भी भयमुक्त करना है जी। तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है जिसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा, लोग उसमें देखते हैं और कई बार हमें थैंक यू भी बोलते हैं भैया हमारे घर में सांप घुस गया था लेकिन आपकी वीडियो देखिए, उसमें आपने टिप्स दिए होते हैं कि कैसे सांप आपके घर नहीं आएगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सिर्फ यही है कि ये व्हाट्सएप टिप्स दिए गए हैं इनके चैनल पर, तो वो भी जरूर देखें। फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि सांप पकड़ना बड़ी बात नहीं, लोगों को भय मुक्त कराना बड़ी बात है और ये बड़ी बात है क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करते हैं सुबह से शाम रात तक, रात रात भर जो है लोगों को इसी तरीके से बचाने का काम ज़रूर करते हैं। और पिछले दिनों एक सबसे दुखद बात ये आई कि एक छोटी बच्ची को सांप काट गया। सर कुछ दिन पहले छोटी बच्ची को भी एक सांप काट गया, बता रहे कोबरा सांप ने काटा था। हाँ जी मामले आते रहते हैं, आज भी सोनीपत से फ़ोन आया, रात को सोते हुए बच्चे को सांप ने काट लिया, सोते हुए बच्चे। हाँ एक रोहतक से मेरे पास फ़ोन आया, रोहतक PGI में वो बता रहे थे उनको वेंटिलेटर नहीं मिला तो वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वो भी वेंटिलेटर की समस्या थी, पता नहीं क्या नाम है हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो गए हैं। ऐसा रिकॉर्ड मैं कई बार लिख भी लेता हूँ फ़ोन नंबर वगैरह उन लोगों के। बिल्कुल हाँ तो लोगों से कहना चाहेंगे आपसे सीधा संपर्क साधें अगर कहीं पर भी कोई सांप देखते हैं। बस ये तो मैं कहूँगा भाई बिना सीखे इस काम को ना करें और खुद सांप को पकड़ने का प्रयास ना करें, ऐसे तरीके अपनाएं कि घर में सांप ही ना आए, वो हमने अपने चैनल पर करें सांप को ना मारें। अगर फिर भी देख लिया कि यहाँ इस दरवाजे के अंदर सांप घुस गया जी जी जी। तो आप थोड़ी सी रेत मिट्टी वाला रेत लेके उसको छान के दरवाजे आगे को लकीर बना दो, ठीक है। अगर सांप घूम फिर के वापस आएगा उस लकीर को क्रॉस करेगा पता चल जाएगा बाहर जाएगा। हाँ या सांप के ऊपर निगाह रखें वो कहाँ जाएगा, बाथरूम में जाएगा, स्टोर में जाएगा, बेडरूम में जाएगा, वहाँ पर भी जहाँ वो बैठ जाता है फिर उसके ऊपर निगाह रखें, हमें कॉल कर दें तुरंत आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अपना नंबर बता दीजिए सर एक बार। हमारा जी मोबाइल नंबर है 9255130130 9255130130 पर कॉल करके सीधा सतीश फफड़ाना को आप जानकारी दें कहीं पर भी आप देखते हैं। फिलहाल आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें और कहना चाहेंगे कि कहीं पर भी आप कोई भी ऐसा सांप देखते हैं तो सीधा कॉल स्नेक एक्सपर्ट को करें, खुद जो है स्नेक एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें क्योंकि ऐसे में वो सांप आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, हो सकता है वो हमला कर दे सीधा आपके ऊपर। तो फिलहाल ये कहना चाहेंगे वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।